चैप्टर इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.6 की इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर हम किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कभी यूज करेंगे, ठीक है, जब आपके पास टू फंक्शंस का मे बी प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, तो उनका हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। मान लो आपके पास एफ एक्स एंड जी एक्स टू फंक्शंस हैं, ठीक है, तो इनटू आपको इन्हें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो इन्हें हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। अभी हम ये भी करेंगे कि हमने चॉइस करनी है कि फर्स्ट फंक्शन किसे ले और सेकंड फंक्शन किसे ले, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले फार्मूला कर लो इसका कि एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्या होगा आपके पास, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये डी एक्स आगे इस इंटीग्रेशन के लिए, इस इंटीग्रेशन के लिए एक डी एक्स ये आएगा, ठीक है, तो ये जो भी सॉल्व करके आएगा उसकी इंटीग्रेशन है हम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता है वन टू फंक्शंस जो आपके पास प्रोडक्ट में दिए हैं, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, अगर मैं इसे फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, इसे मैं सेकेंड फंक्शन ले रहा हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन और अंदर क्या जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो अब हम चॉइस कैसे करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन हम किसे ले और सेकंड फंक्शन किसे ले, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है आई लेट, ठीक है। अब इस पर आपके पास क्या होगा कि हम फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, ठीक है, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन को हम पहले लेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स जो भी इनवर्स फंक्शन होगा। एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉग एक्स जो भी आएगा। ए का मतलब है आपके पास एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, एक्स एक्स के जो भी होगा हम उसे लेंगे। फिर टी का मतलब उसके बाद हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, और लास्ट में हम लेंगे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जो ई की पावर एक्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेन एक्स कॉट एक्स साइन एक्स इस टाइप के होंगे, इनवर्स साइन इनवर्स वगैरह कॉस इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो आई का मतलब है हम इनवर्स फंक्शन, ठीक है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मान लो अगर आपके पास दिया है ई की पावर एक्स साइन एक्स की आपने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन से लेंगे इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकेंड फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो है एक्स साइन एक्स की आपने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन, तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसे हम सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह से चॉइस करनी है कि फर्स्ट फंक्शन हम किसे ले और सेकंड फंक्शन किसे ले, ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद डीएक्स, ठीक है। इस फॉर्मूले पर हम क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है, मैं एक्सरसाइज से शुरू कर देता हूँ, ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ
एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन एंड इंटरग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड डी एक्स। ये डी एक्स इस इंटीग्रेशन के लिए था और ये डी एक्स इस इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक लास्ट प्रॉपर्टी बता दूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास ये दिया है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है, ई एक्स कोई फंक्शन दिया है और यहाँ पर उसकी डिफरेंशिएशन दी है, ठीक है। जैसे कि ये बात कर रहे हैं आपके पास e की पावर x फंक्शन साइन x और प्लस कॉस x डी एक्स, एफ एक्स साइन x आ गया, एफ डैश x क्या है, एफ एक्स की डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो कॉस x क्या है, साइन x की डिफरेंशिएशन। तो इसे हम लिखते हैं e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, e की पावर x, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन करने से पहले फंक्शन था, ठीक है, ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे रिजल्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यानी कि यहां पर क्या जाएगा, e की पावर x साइन x प्लस सी, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। इसका मैं आपको प्रूफ करा देता हूं, ठीक है, देखो ये है आपके पास, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, अलग अलग कर लिया मैंने, ठीक है, दोनों को की क्या मैंने अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये था i, ठीक है, ये था i, तो i इज इक्वल टू ये आ गया, नाउ i इज इक्वल टू, इसे मैं क्या करूं, इंटीग्रेट करूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ एक्स को मैंने पहला फंक्शन दिया, e की पावर x को सेकंड फंक्शन, e की पावर x डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन किसकी, फर्स्ट फंक्शन की एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट बंद डी एक्स, उसके बाद क्या लिखा है ये, प्लस e की पावर x f डैश x, इसे मैंने नहीं किया, इसे मैंने ऐसे ही रहने दिया। नाउ i इज इक्वल टू ये क्या जाएगा, e की पावर x f x माइनस ये क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x e की पावर x, ठीक है, e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस e की पावर x f डैश x dx, ये दोनों टर्म सेम है, जस्ट आगे पीछे ही है, सेम है, ये माइनस किए ये प्लस किए कट गया, ठीक है, प्लस सी तो आना ही था जब इंटीग्रेशन की थी, तो आई क्या आ जाएगा मेरे पास, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो ये इसका प्रूफ है, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्सपोनेंशियल और अंदर आपके पास फंक्शन और प्लस उसकी डिफरेंशिएशन दी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स उसको लिख देंगे, ये टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपने इंटीग्रेशन करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्स साइन एक्स डी एक्स, अब चॉइस, ठीक है, हम ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का पता होगा, तो हम यहां लिख लेंगे साइड में आई लेट, ठीक है। तो देखो x एल्जेब्रिक साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ये हम सेकंड फंक्शन लेंगे, तो क्या लिख लेंगे हम, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, इसे हम i भी बोल लेते हैं, ठीक है, i शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स, नाउ विच इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स की क्या होती है मेरे पास, माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन एंड माइनस एक्स की डिफिनेशन वन और साइन की माइनस कॉस एक्स, तो ये बाहर क्या हो जाएगा, प्लस डी एक्स, ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी भी आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है मेरे पास, साइन एक्स प्लस सी, हो गया क्वेश्चन, तो ये इसकी क्वेश्चन हो, इसकी इंटीग्रेशन होगी, तो ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जहां पर मेरे पास सेकंड क्वेश्चन ही है, ठीक है, वहां पर मेरे पास क्या दिया है, ठीक है,
एंगल में चेंज किया साइन के, x sin 3x dx, सेम ही क्वेश्चन है पर यहां पर मेरे पास इन्होंने sin 3x दिया है। तो यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन, यहाँ ये सेकंड फंक्शन, तो दिस इज i, तो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन dx, ठीक है, ध्यान रखना इस dx को मत भूल जाना। देन i, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, साइन की क्या हो जाएगी मेरे पास, साइन 3x की, माइनस कॉस 3x अपॉन 3, अगर आपको नहीं लगता पता तो आप साइड में कर सकते हो, साइन 3x की इंटीग्रेशन करनी है तो हम करते थे पुट 3x इज इक्वल टू पी, देन dx इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, डीपी, 3dx इज इक्वल टू डीपी, यानी कि dx इज डीपी अपॉन 3, तो मेरे पास क्या गया, साइन पी डीपी अपॉन 3 व्हिच इज इक्वल टू माइनस कॉस p अपॉन 3 प्लस सी, यानी कि माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी, वही तो लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं, अब आपने यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल यूज करना, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है तो आप, सॉरी नॉट प्रोडक्ट रूल, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो रफ फॉर्म में और यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इतनी प्रैक्टिस हो ही गई है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ व्हिच इज माइनस x की इंटीग्रेशन, x की डिफरेंशिएशन इज 1 एंड साइन की माइनस कॉस 3x अपॉन 3 dx प्लस सी, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू माइनस x cos 3x अपॉन 3 एंड माइनस माइनस प्लस cos 3x और 1/3 बाहर dx प्लस सी आ रहा है। नाउ विच इज इक्वल टू माइनस cos माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस cos की क्या जाएगी, साइन 3x अपॉन 3, साइन 3x अपॉन 3 और ये 3 है तो ये आ जाएगा 9 प्लस सी, तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी, सिंपल, ठीक है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, आपको इंटीग्रेशन करनी है log x की, नॉट एट log x, ठीक है, x log x की आपको क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो देखो आई ले एल्जेब्रिक सेकंड फंक्शन होगा और log फर्स्ट फंक्शन होगा, तो यहां क्या आ जाएगा मेरे पास, i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड ब्रैकेट क्लोज dx एंड विच इज इक्वल टू log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x की डिफरेंशिएशन इज 1/x और x की एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, एक x से एक x कट गया, तो विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x, ठीक है, माइनस क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर x dx प्लस c, यानी कि x square upon 2 into log x, ठीक है, माइनस x square upon 2 और ये 2 4 हो गया प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है। अब एक देख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ लेते हैं कि आपके पास, नोट क्वेश्चन नंबर 4, log x की, मैं ऐसे बता रहा हूं log x की इंटीग्रेशन क्या होती है। अब log x की जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होती है, ठीक है, तो हम इसे बाय पार्ट से कैसे करते हैं, जब मेरे पास यहाँ सिंगल फंक्शन दिया, हमें log x की इंटीग्रेशन नहीं पता है, कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू log x, ठीक है, 1 इंटू log x, तो हम log x को फर्स्ट फंक्शन और i को क्या करेंगे, हम सेकेंड फंक्शन लेंगे, तो हम क्या लिख लेंगे इसे, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx एंड विच इज इक्वल टू log x इंटू x माइनस log x की 1/x और 1 की x dx, ठीक है, प्लस c, कट गया, फिर से 1 आ गया, तो क्या आ गया,
ये आ गया एक्स लॉग एक्स माइनस वन की इंटीग्रेशन इज एक्स, ठीक है। तो लॉग एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स लॉग एक्स माइनस वन, या तो फिर एक्स कॉमन लॉग एक्स माइनस वन, ठीक है, ये भी लिखते हैं। तो याद रखना लॉग एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, हमेशा ये क्या होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होती है, ये मैंने आपको बता दिया फिलहाल, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे सेम है, उसमें लॉग टू एक्स, यहाँ पर एक्स है, ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन उसमें एक्स लॉग टू एक्स डी एक्स है, जस्ट यहाँ पर टू एक्स आ गया, ठीक है। तो आपने ये ट्राई आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सिक्स क्वेश्चन भी आप करोगे, सेवन्थ क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, उसमें इनवर्स फंक्शन के साथ है, ठीक है। देखो इन सेवन्थ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सेवन्थ क्वेश्चन में दिया आपके पास एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन करनी है इसको, मैंने आई मान लिया एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, आई लेट इनवर्स फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन एंड एल्जेब्रिक फंक्शन इज द सेकंड फंक्शन, तो इनमें आई इज इक्वल टू क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड डी एक्स। नाउ आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू माइनस साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन इज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, एंड एक्स की क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स स्क्वेयर अपॉन टू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। एंड आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू माइनस वन बाय टू बाहर एंड एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो इसे आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू, इसको आई वन लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और आई वन की मैं क्या करता हूँ अलग से इंटीग्रेशन करके इसको मैं सब्सिट्यूट करूंगा, देखो आई वन को मैं अलग कर रहा हूँ, आई वन को हम अलग सॉल्व कर लेते हैं, आई वन इज इक्वल टू, आई वन इज इक्वल टू मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, डी एक्स, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो क्या इसमें मैं प्लस वन और माइनस वन कर सकता हूँ, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई वन कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस वन, ठीक है, इसके अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर एंड वन के नीचे अलग कर लो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। तो देखो ये वन माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो आई वन, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो वन माइनस एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं इसे, एंड अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसे अलग कर लिया, ठीक है। विच इज आई वन इज इक्वल टू माइनस, ये सॉल्व किया तो क्या जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये आपके पास क्या है पी अपॉन पी की पावर वन बाय टू, यही लिखा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ठीक है, पी इंटू पी की पावर माइनस वन बाय टू विच इज इक्वल टू पी की पावर वन बाय टू, वही लिखा, एंड प्लस अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला है वो आपके पास अगली एक्सरसाइज में यूज होगा, ठीक है, पर यहाँ पर भी यूज करना पड़ रहा है इंटीग्रेशन के लिए, कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, वन बाय टू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एंड प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, इन्हें हम प्रूफ भी करेंगे इस अगली एक्सरसाइज में ये, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, वन बाय टू एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक
ठीक है। तो यहाँ आई वन क्या जाएगा, माइनस बाहर वन बाय टू, ठीक है, एक्स की जगह एक्स एंड अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस ए स्क्वेयर, ए की जगह क्या है वन, वन अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आ गया ब्रैकेट में, और इसकी क्या जाएगी प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी वन, ठीक है, इसे सी वन लेके चल लो, ठीक है, इसे सी टू, तो आई वन कितना जाएगा यहाँ पर, माइनस वन बाय टू एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स के और माइनस वन बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी टू, ठीक है, ये आ गया, ये वैल्यू उठाओ यहाँ सब्सिट्यूट कर दो, ठीक है। और ये एक चीज देखो, ये दोनों सेम है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, मान लो ये पी है, तो ये है क्या आपके पास, माइनस वन बाय टू प्लस पी विच इज इक्वल टू वन बाय टू पी, ठीक है, तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट करके यहीं सॉल्व कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस वन बाय टू, ठीक है। अब इसे यहां सब्सिट्यूट कर दो तो आई की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 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 प्लस प्लस वन बाय फोर एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लो, ये नॉट एक्स अपॉन ए, दिस इज एक्स अपॉन वन, ठीक है, एक्स अपॉन वन, दिस इज एक्स अपॉन वन, ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा ओनली एक्स, तो आई इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, साइन इनवर्स एक्स कॉमन है, इसकी और इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर अगर वन बाय फोर भी कॉमन ले लू, ठीक है, यहां से वन बाय फोर लिए कॉमन, तो क्या बचा टू एक्स स्क्वायर, और यहां क्या बचा मेरे पास माइनस वन, और क्या बचा यहां पर मेरे पास वन बाय फोर एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, इसमें ये फार्मूला यूज हुआ था जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। हाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट मैं बता रहा, क्वेश्चन नंबर नाइन आप खुद करोगे, ठीक है, देखो यहां पर आपने करनी है, तो आई लेट इनवर्स इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस एलजेब्रिक फंक्शन इज द सेकंड फंक्शन, नाउ आई इज इक्वल टू व्हिच इज, नाउ आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये टैन इनवर्स है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन टैन इनवर्स एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ किसकी आ जाएगी एक्स डी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, नाउ आई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू माइनस टेन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर एंड इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू डी एक्स, नाउ आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू बाहर एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, अब हमें ये इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, इसे मैं लिख लेता हूं आई वन, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू आई वन, तो आई वन को हमें सॉल्व करना है, यहां करता हूँ सॉल्व, देखो आई वन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, अगर फंक्शन रैशनल फंक्शन पी, रैशनल फंक्शन है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, तो क्यू एक्स की डिग्री हमेशा बड़ी होनी चाहिए, बराबर ही होनी चाहिए, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वेयर को वन प्लस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, वन जा वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस कट गया माइनस वन, तो आई वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, तो आई वन क्या आ जाएगा, वन की इंटीग्रेशन इज एक्स और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन इज टेन इनवर्स एक्स प्लस सी,
ठीक है, दिस इज सी टू कर लो, यहां पर मेरे पास सी वन भी आना था, ठीक है यही आएगी। ओके, ये वैल्यू उठाओ वहां पर इसको सब्सिट्यूट कर दो, देखो क्या जाएगा। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स अपॉन टू एंड प्लस वन बाय टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ आप ट्राई करोगे, नाइन्थ क्वेश्चन में आपके पास है इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स, हमने अभी टेन इनवर्स के साथ किया, इससे पहले मैं साइन इनवर्स के लिए भी किया था, तो वो ये आप करोगे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर की आपने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, इसे मैंने आई मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंगल फंक्शन है, तो हम मैं क्या करूंगा इसे वन से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे लिख लूंगा, तो मेरे पास यहाँ टू फंक्शन हो गए, एक वन एक साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो आई लेट इनवर्स इज द फर्स्ट फंक्शन एंड वन इज द सेकेंड फंक्शन, तो आई इज इक्वल टू क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स। तो आई मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू एक्स माइनस, ठीक है देखो साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को यहां पर पी पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा डी डी पी ऑफ पी स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ जो आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया था, तो 2p इनटू साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एंड 2 व्हाट इज p, p साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख दूं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू एक्स डी एक्स। ठीक है, इस 2 को मैं बाहर लिख ले रहा हूं। ठीक है, देखो आई इज इक्वल टू मेरे पास आ गया एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो आई इज इक्वल टू आ गया मेरे पास एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, इसे मैंने मान लिया आई वन। ठीक है, अब इस आई वन को मैं इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, देखो तो यहां पर मैंने अलग अलग इसलिए लिखा था क्योंकि ये मेरे पास अलग अलग फंक्शन बन गए, ये अलजेब्रिक फंक्शन इकट्ठा और ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर मैं इसे अलग कर रहा हूँ सॉल्व, आई वन इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन और ये मेरे पास सेकेंड फंक्शन, तो आई वन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स एंड डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फंक्शन एक्स दिस डी एक्स दैट क्लोज डी एक्स। ठीक है, ये आ गया, यहां पर dx भी आएगा साथ में। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन मैं अलग करता हूं, यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, देखो मेरे पास है ये x अपॉन दिस, ठीक है, मैंने यहां पर पुट कर दिया, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी देन माइनस 2x dx इज इक्वल टू dp, यानी कि x dx की वैल्यू क्या आई, माइनस dp अपॉन 2, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस dp 1 बाय 2 बाहर और ये क्या जाएगा p की पावर 1 बाय 2, यानी कि 1 बाय 2 पी की पावर माइनस 1 बाय 2 डी पी विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू पी की पावर 1 बाय 2 एंड 1 बाय 2, यह आ जाएगा। ठीक है,
प्लस सी जो भी आएगा। ओके तो ये टू से टू कट गया एंड विच इज इक्वल टू क्या गया, पी की पावर 1/2। ठीक है, और पी क्या था मेरे पास, 1 - x2, तो इसकी ये आएगी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो I1 क्या आ गया मेरे पास, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 - x2 माइनस डी डी ऑफ एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 - x2। आई थिंक माइनस भी था यहाँ पर, माइनस था तो माइनस माइनस साथ में चलेगा, तो ये -7 में आएगा। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या जाएगी, √1 - x2 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, एंड dx कट गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या गया, I1 = -√1 - x2 साइन इनवर्स एक्स एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस, और यहाँ इंटीग्रेशन क्या बचेगी, 1 dx। तो 1 की क्या इंटीग्रेशन हो जाएगी मेरे पास, x। तो यहां मैं लिख दूं x प्लस c2, यहां पर क्या था मेरे पास, c1। ठीक है, उठाओ यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो i की वैल्यू क्या जाएगी, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 यानी कि +2 इंटू √1 - x2 साइन इनवर्स एक्स एंड -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x प्लस सी, C1 + C2 को हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, सी ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ रही है किसकी, इसकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ट्राई करो जितने कर सकते करो। ठीक है,